हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, MIUI 13 जो है स्क्रीन है, जो पोको एंड शाओमी के जो डिवाइसेस है उसमें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे रिसेंटली जो है पोको M2 Pro जो डिवाइस है उसमें MIUI 13 का अपडेट हमें रोल आउट हो चुका है एंड Android 12 पे बेस्ड है। वैसे MIUI 13 जो है काफ़ी सारे डिवाइसेस में अवेलेबल है एंड बाकी जो डिवाइसेस है उसमें रोल आउट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज की वीडियो में हम आपको जो है MIUI 13 जो है उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एडवांटेजेस बताएंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस बताएंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ बताएंगे आज के वीडियो के अंदर। सो MIUI 13 के फीचर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। सो MIUI 13 जो है जो रोल आउट हो चुका है, इसमें दोस्तों MIUI 13 में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वैसे Xiaomi जो है उसने पूरी लिस्ट इसकी दे रखी है, जहाँ पे जो है कुछ विजुअल चेंजेस है, कुछ फंक्शनल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जो चेंज लॉग हमें मिला है, वो Xiaomi ने पहले ही हमें क्लियर कर दिया गया है कि जो चेंजेस है वो सभी चेंजेस सभी डिवाइसेस में अवेलेबल नहीं है। यानी कि जो चेंजेस किए गए हैं वो डिवाइस स्पेसिफिक है। कुछ डिवाइसेस जो है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ डिवाइसेस में कोई फीचर्स जो है वो नहीं भी देखने को मिलेगा। सो सभी फीचर्स जो है हमें MIUI 13 के जो अपडेट है उसमें सभी डिवाइसेस में सभी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वही फीचर्स जो सभी डिवाइसेस में अवेलेबल होंगे। सो सबसे पहला चेंज जो हमें MIUI 13 में देखने को मिलता है वो है उसका एक्शन सेंटर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो काफ़ी टाइम पहले जो है इसमें चेंज किया गया था, उसमें जो है विजुअली चेंजेस किए गए थे। उसके बाद अपडेट आया था उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन रिसेंट जो MIUI 13 अपडेट मिला है उसमें जो एक्शन सेंटर उसमें जो चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या होता था कि हमें रेक्टेंगुलर शेप में जो है टॉगल्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब क्या किया गया है चेंजेस, यहाँ पे हमें जो है दो रेक्टेंगुलर टॉगल मिलते हैं और साइड में जो है दो वर्टिकल बार्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ब्राइटनेस और वॉल्यूम जो है उसका ऑप्शन देखने को मिलता है। सो यहाँ से हम डायरेक्टली जो है ब्राइटनेस जो है चेंज कर सकते हैं, साथ में वॉल्यूम जो है वो भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक फंक्शनल चेंजेस ये है दोस्तों कि वॉल्यूम का जो है ये हम डायरेक्टली एक्शन सेंटर से चेंज कर सकते हैं। अभी हमें जो है फिजिकल की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बिना फिजिकल की को यूज़ किए भी जो वॉल्यूम है उसको चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है फिजिकल की जो है उस पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश की गई है। साथ में जो एक्शन सेंटर है दोस्तों ये कंटिन्यूअस है, यानी कि आप नोटिफिकेशन और टॉगल्स ये दोनों जो है आप उसको कंटिन्यूसली स्विच कर सकते हैं, आपको अलग से जो है बंद करके वापस से स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूअस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे विजुअल चेंजेस किए गए हैं, साथ में फंक्शनल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं एक्शन सेंटर के अंदर। अभी हम बात करते हैं होम स्क्रीन के बारे में। सो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप पोको लॉन्चर यूज़ करते हैं और उसकी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसका जो आइकन है उसमें एनिमेशन का एक टॉगल देखने को मिलता है, साथ में जो रिसेंट मेनू है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। अगर आप रिसेंट मेनू को टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो आप अपनी जो है चॉइस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो होम स्क्रीन है वहाँ पे भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। वॉलपेपर्स की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पोको M2 Pro जो डिवाइस है उसमें हमें जो वॉलपेपर्स की जो बात की गई थी चेंज लोग में, वो पोको M2 Pro डिवाइस में हमें देखने को नहीं मिलता है। सो वॉलपेपर्स देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी जो चेंजेस है होम स्क्रीन में वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं विजेट के बारे में। सो जो चेंज लॉक है उसमें विजेट्स के बारे में भी कहा गया था कि बहुत सारे विजेट्स जो है उसको ऐड कर दिए गए हैं, जो काफ़ी विजुअली अपीलिंग है, साथ में काफ़ी फंक्शनल भी है। सो ये भी हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे विजेट्स हमें देखने को मिलते हैं, इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, विजुअली काफ़ी अपीलिंग है, साथ में काफ़ी फंक्शनल भी है। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। सो डेफिनेटली दोस्तों, कैमरा जो है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर आप कंपेयर करते हैं MIUI 12.5 और MIUI 13 का, तो डेफिनेटली आपको जो है चेंजेस आप फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पहले क्या था, काफ़ी डल साउंड हमें देखने को मिलता था, काफ़ी डल साउंड रिकॉर्डिंग में होता था, लेकिन अभी जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। साथ में विजुअल चेंजेस भी किए गए हैं। यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स में जाते हैं आप कैमरा की, तो वहाँ पे आपको एक कस्टमाइजेशन का एक सेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते, जैसे लेआउट जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, शटर साउंड जो है उसका ऑप्शन देखने को मिलता है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से शटर साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों कैमरा में, उसका जो फॉन्ट वहाँ पे जो होते हैं उसका जो कलर है उसमें भी कस्टमाइज आप उसको कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। सो इस तरीके से एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे हमें सेटिंग में देखने को मिल जाता है। अगर कैमरा की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर जो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, क्वालिटी की अगर बात करते हैं, वीडियो क्वालिटी, फोटो क्वालिटी, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। साथ में कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन भी हमें देखने को मिलता है। सो विजुअली भी ये जो है काफ़ी इसमें चेंजेस हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। अगर आप फोन की सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी का एक अलग सेक्शन देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है अपने मेडिकल रिकॉर्ड और आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसको सेव कर सकते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे या किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे जो है आपकी लॉक स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा।
सो ये जो सेक्शन है दोस्तों, एक डेडिकेटेड सेक्शन हमें सेटिंग्स में देखने को मिल जाता है सेफ्टी एंड इमरजेंसी का। जो इनफैक्ट आई फिन जो काफ़ी यूजफुल एक फीचर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है आज के टाइम में ये काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जो है मेडिकल रिकॉर्ड एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने में टाइम लगता है। ऐसे में ये जो अगर आपने ये जो इन्फॉर्मेशन अगर सेव करके रखी है तो ये आसानी से एक्सेसिबल होती है किसी भी फ़ोन के ऊपर। सो ये जो फीचर है सेफ्टी एंड इमरजेंसी, इसका एक अलग सेक्शन जो है सेटिंग्स में दे दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। सो ये एक इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर फुल स्क्रीन डिस्प्ले की बात करते हैं, सो यहाँ पे हमें एक नया जेस्चर देखने को मिलता है जो एप्लीकेशन स्विच करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप जो है फुल स्क्रीन इंडिकेटर अगर यूज़ नहीं करते हैं तभी ये जो जेस्चर है वो काम आएगा। अगर आप फुल स्क्रीन इंडिकेटर यूज़ करते हैं सो आप सीधा उस पर राइट या लेफ्ट स्वाइप करके जो है एप्लीकेशन स्विच कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं तो आपको जो है नया जेस्चर यूज़ करना होगा, जो MIUI 13 में हमें देखने को मिलता है। साथ में एक दोस्तों डिसअपॉइंटिंग बात यहाँ पे ये है कि अगर फुल स्क्रीन डिस्प्ले अगर आप यूज़ करते हैं और इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं तो आप वन हैंडेड मोड जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप जो है इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आप ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो वन हैंडेड मोड एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर इंडिकेटर नहीं यूज़ करते तो आप वन हैंडेड मोड जो है यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ये काफ़ी अवेटेड फीचर है, काफ़ी टाइम से इसके बारे में बात की गई है, लेकिन MIUI 13 में भी इसके बारे में कुछ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है, सिर्फ एक जेस्चर के बारे में जो एप्लीकेशन जो है स्विच करने के लिए दिया गया है, बाकी जो है वन हैंडेड मोड का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। MIUI 13 जो है वो एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड है, सो यहाँ पे एंड्रॉइड 12 का एक फीचर भी हमें जो है ऐड करके दे दिया गया है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड 12 का जो एक फीचर है प्रीवेसी डैशबोर्ड का, वो भी हमें सेटिंग्स में देखने को मिल जाएगा, अलग सेक्शन देखने को मिल जाएगा। प्रीवेसी डैशबोर्ड क्या है दोस्तों? बेसिकली एक प्रीवेसी एंड सिक्योरिटी ओरिएंटेड एक फीचर है जो एंड्रॉइड 12 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल है वो कौन से टाइम पे कौन सा सेंसर आपका यूज़ करती है, क्या यूज़ करती है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रीवेसी डैशबोर्ड में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आपकी किसी एप्लीकेशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका कैमरा यूज़ करती है, माइक्रोफोन अगर यूज़ करती है, या फिर लोकेशन सर्विस जो है उसको एक्सेस करती है, सो कौन से टाइम पे ये जो सेंसर्स है उसने एक्सेस किए पर्टिकुलर ऐप ने, वो आपको प्रीवेसी डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। सो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपनी जो एप्लीकेशन है उसके जो एक्सेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन जो है उसको पर्टिकुलर सेंसर के एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है सो आप इसको जो है डिनाई कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो प्रीवेसी डैशबोर्ड है दोस्तों, ये बहुत ही काम का फीचर है, बहुत ही यूजफुल फीचर है जो एंड्रॉइड 12 में देखने को मिलता है, जो फीचर हमें MIUI 13 में भी देखने को मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा फीचर है प्रीवेसी डैशबोर्ड का, जहाँ से जो है आप अपनी प्रीवेसी मेंटेन कर सकते हैं, आपकी जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। साथ में MIUI 13 के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा चेंज लॉग में कहा गया था, सो डेफिनेटली MIUI 13 जो है इसमें हमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। अगर आप MIUI 12.5 जो है अगर वो यूज़ करते हैं और वहाँ से डायरेक्टली MIUI 13 पे स्विच करते हैं सो आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे, आपको डेफिनेटली फील होगा कि MIUI 13 जो है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी स्पीडी है। अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, बंद करते हैं, स्विच करते हैं, कोई भी आप करेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस फील होगी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड आप फील कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों रैम ऑप्टिमाइजेशन कमाल का किया गया है MIUI 13 में, तो MIUI 13 जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिव और काफ़ी स्मूथ फील होता है। साथ में जो स्टोरेज मैनेजमेंट है दोस्तों वो भी काफ़ी बेहतरीन किया गया है। तो यहाँ पे हम जो है स्टोरेज मैनेजमेंट की अगर बात करें और रैम ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप MIUI 12.5 पे है तो हम आपको रिकमेंड जरूर करेंगे कि आपको MIUI 13 जो है उस पर डेफिनेटली स्विच करना चाहिए, आपको अपडेट करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों MIUI 13 जो है उसमें कुछ हिडन फीचर्स भी है जिसको हम सीधा एक्सेस नहीं कर सकते, आपको सेटिंग्स में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको अलग से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से और उसके जरिए आप जो है हिडन फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हार्ट रेट मॉनिटर है, डेफिनेटली आप अपना हार्ट रेट जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, एक्स्ट्रा डिम जो फीचर होता है स्क्रीन जो एक्स्ट्रा डिम फीचर जो ब्राइटनेस कम करती है, एक्स्ट्रा डिम का जो फीचर है, ये सारे फीचर्स भी हमें जो है MIUI 13 में देखने को मिलते हैं। वैसे इसका वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, सो स्टे ट्यून। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जहाँ पे हमने आपको बताया MIUI 13 के बारे में, जिसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। वैसे एक चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि MIUI 13 का अपडेट अगर आपको मिल चुका है और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।